फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट पे बात करने वाली हूँ। बहुत ही खूबसूरत से प्लांट है, तो उन्हीं पे हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको अपना एडेनियम दिखा दूँ। देखिए कितना अच्छा ब्लूमिंग कर रहा है इस समय। मैं बात करने वाली हूँ, यहाँ पर देखिए हमारा बोगनवेलिया भी बहुत अच्छा ब्लूम्स कर रहा है। इसकी केयर टिप्स भी मैं वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के साथ। देखिए कितना प्यारा सा है ये। इसमें पहले वाइट फ्लावर खिलते हैं, उसके बाद ये पिंक कलर के हो जाते हैं, मतलब दो कलर के फूल इसमें आते हैं। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। आज जो मैं प्लांट है उस पर बात करने वाली हूँ, टिकोमा के ऊपर। टिकोमा का प्लांट समर का बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है, मतलब कि साल के 10 महीने से फ्लावरिंग होती है और विंटर में वही दिसंबर जनवरी थोड़ा सा डोरमेंसी में ये 2 महीने रहते हैं। उसके बाद ये फिर से जैसे ही फरवरी स्टार्ट होता है न्यू ग्रोथ होती है और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं टिकोमा में लगभग कलर तो बहुत सारे आते हैं, वेराइटीज़ में दो आती हैं, एक तो ड्वार्फ वाली होती है, एक बेल की तरह होती है, वाइन वाली होती है। तो आप दोनों लगा सकते हैं, दोनों काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। आपके पास थोड़ा ज़्यादा जगह है तो आप वाइन वाली भी लगा सकते हैं, उसको थोड़ी किसी मतलब सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। सहारे से जैसे गेट के साइड में हमने लगा दिया तो पूरे गेट को कवर कर लेगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इस तरह से जो बुश वाला होता है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। गमले में आप छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं इसको, और 10 इंच से लेके मतलब जितना ज़्यादा प्लांट आपका बड़ा होता जाता है उस हिसाब से आप उसको पॉट को चेंज करते रहिए। तो अभी तो देखिए मैंने प्लास्टिक के बकेट में इनको लगा के रखा है। मेरे पास ये दो हैं, एक तो येलो वाला है ये देखिए, और दूसरा जो है ऑरेंज वाला है। इसमें पर्पल, पिंक, वाइट, इस तरह से और भी कलर मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो आप कोई सा भी ला सकते हैं, रेनी सीजन में आप इसकी कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने भी कटिंग से लगाए थे प्लांट और अभी मैंने थोड़ी सी रिपोर्टिंग की तो डिस्टर्ब हो गए। बहुत सारे प्लांट मैंने कटिंग से लगाए थे और रेनी सीजन में ही इसकी कटिंग लगती है क्योंकि इसको मॉइस्चर पसंद होता है और बिल्कुल चारों तरफ जब नमी बनी रहती है तो ये प्लांट हमारा बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। और छोटी सी ऊपर की टिप, ये फ्लावर वाली नहीं लेकिन इस तरह की जैसे ये वाली स्टिक होती है, ये जिसमें फ्लावर नहीं आया हुआ हो, ऐसी वाली स्टिक लेकर के छोटी सी छोटी जो ऊपर की टिप होती है उसको लगा करके आप सैंड में लगा दीजिए या तो कोकोपीट सॉरी मिट्टी और सैंड के मिक्सर में भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। ये देखिए इन्हें फ्लावरिंग भी स्टार्ट होने, मैंने रिपोर्ट किया है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए हैं, ऊपर से यहीं पे धूप में भी रखा है। ये देखिए प्लांट बिल्कुल सूख गया है लेकिन इसकी न्यू ग्रोथ जल्दी शुरू हो जाएगी। ये भी देखिए थोड़ा सा ड्राई हो गया क्योंकि अभी धूप में रहता है, तो धीरे धीरे ग्रोथ शुरू कर लेंगे क्योंकि छाया में ऐसी जगह भी नहीं है यहाँ पर रखने के लिए, तो मैंने इनको यहीं पर शिफ्ट कर दिया है। थोड़ी सी पत्तियाँ गिराएगा लेकिन उसके बाद ये सेट हो जाएगा। तो ये मेरे सेप्टेम्बर की कटिंग लगी हुई थी। तो आप इनको अगर एक प्लांट से और प्लांट बनाना चाहते तो आप नर्सरी से ला करके प्लांट मतलब सॉरी रेनी सीजन में आप इनको कई प्लांट बना सकते हैं। अभी आप अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो अभी आपको नर्सरी में अवेलेबल हो जाएगा और लगभग 40, 50, 60 इतने तक में आपको प्लांट मिल जाता है। मैं भी जब लेकर आई थी तो 50 रुपीज़ में मुझे मिला था और उससे मैंने ढेर सारे इसके प्लांट तैयार किया कि मेरे पास अभी देखिए एक प्लांट और है, 3-4 प्लांट मैंने नर्सरी में सेल भी कर दिया थी। ये देखिए यहाँ पर भी है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत प्लांट होता है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। आप इसको कहीं कैसे करके भी लगा सकते हैं और एकदम ग्रीनरी इतना सुंदर ऐड करता है, आपका गार्डन इतना ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है देखने में। देखिए ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ, और मैं इतना ज़्यादा जब मेरे पास ये प्लांट नहीं था तो मैं इतना ज़्यादा इसको किसी के भी वीडियो में देखती थी तो मतलब एकदम अट्रैक्ट करती थी। इसकी जो ग्रीनरी है बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, साथ में हमिंग बर्ड बटरफ्लाइज वगैरह को भी बहुत ज़्यादा थोड़ा अट्रैक्ट करती है। तो आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए, देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। जब इसके फ्लावर सूख जाते हैं तो आप ये फ्लावर स्टिक को हटा देंगे तो यहाँ से साइड से 2-2 ब्रांच निकलते हैं और प्लांट हमारा धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा घना हो जाता है। तो प्रूनिंग ज़रूरी होती है, हर साल में एक बार प्रूनिंग आप ज़रूर करें। मैं तो 2 बार कर देती हूँ, मैं एक बार मतलब रेनी सीजन में भी कर देती हूँ और एक बार इधर फरवरी में करती हूँ। तो ज़्यादा लंबे जब प्लांट हो जाते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा लंबे नहीं लेकिन झाड़ीनुमा ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो इसको थोड़ा सा इसकी ग्रोथ को कम करने के लिए फिर हम थोड़े से प्रूनिंग कर देते हैं तो शेप में आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी दिखता है। अब इसकी हम बात करें इसकी जो केयर टिप्स हैं, तो इसमें गोबर की खाद सबसे ज़्यादा अच्छा काम करती है। गोबर की खाद या फिर वर्मी कम्पोस्ट आप इसको देते रहिए, मतलब हर महीने या 1.5 महीने में आप दीजिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसको बनाना पील दे सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट से जो लिक्विड बनाते हैं मतलब किचन वेस्ट से उसको भी आप दे सकते हैं, उससे फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और सनलाइट की बात करें तो फुल सनलाइट में बहुत अच्छे से चलता है, पर फिर भी जैसे मई जून की धूप
से आप थोड़ा सा बचाना चाहते हैं, क्योंकि मई जून की धूप से इसके फ्लावर जल जाते हैं। अभी देखिए कितने फ्रेश इसके फ्लावर रहते हैं, लेकिन मई जून में इसके फ्लावर जैसे खिलते हैं तो थोड़ा सा बर्न होने लगते हैं, तो उस टाइम पे आप इसको थोड़ा सा ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं। और नहीं तो पूरी फुल सनलाइट को भी ये कवर कर लेता है, मतलब झेल लेता है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, फुल सनलाइट में चलने वाला पौधा है, ऐसा आपको धूप से बचाने की ज़रूरत नहीं है प्लांट को। और पानी इसको आपको देते रहना है, मतलब एक बार रेगुलर पानी इसको दिन में एक बार ज़रूर देना है, नहीं तो मिट्टी जैसे ड्राई होती है इसकी पत्तियाँ पूरी मुरझा जाती हैं। और एक बार जब किसी भी प्लांट की पत्तियाँ मुरझा जाती हैं तो उसकी सेप खराब हो जाती है, वैसे ग्रीन हो जाता है लेकिन वो वाली जो खूबसूरती रहती है ना उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। तो पानी इसको लगता है। और मैं आपको बता दूं आपके यहाँ की मिट्टी शायद अलग रहे तो हो सकता है पानी कम लगता हो, लेकिन मेरी मिट्टी काफ़ी वेल रन होती है, इसलिए मुझे इसकी मिट्टी को डेली मतलब मॉइस्चर बना के रखना पड़ता है ताकि इसमें नमी बनी रहे और प्लांट हमारा हेल्दी रहे। तो मैं इसमें डेली एक बार सुबह वाटरिंग करती हूँ। अभी जितने भी मेरे प्लांट हैं सब में मैं सुबह ही एक बार वाटरिंग करती हूँ, अभी दो दो बार पानी नहीं देती हूँ। लेकिन जैसे जैसे धूप बढ़ती जाएगी तो जैसे छोटे छोटे गमले होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इनमें दो दो बार पानी देना पड़ जाता है। पर जैसे हिबिस्कस वगैरह का भी पानी शाम को, फिर जैसे सुबह दिया तो शाम तक में सूख जाता है तो उसको दोबारा देना पड़ता है। मेरे जो गमले हैं बहुत ही वेल ड्रेन्ड पोरस मिट्टी है उसके अंदर, और होल भी इतने ज़्यादा हैं कि वो पानी जैसे मैं देती हूँ वैसे पूरा ड्रेन आउट हो जाता है, तो उसके अंदर रुकता नहीं, मतलब एक भी पानी रुकता नहीं है। तो उसी वजह से मेरे प्लांट भी ज़्यादा हेल्दी और सुंदर रहते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, लेकिन मॉइस्चर बना के रखिए, मॉइस्चर आपके प्लांट में बना रहना चाहिए, अच्छा है तभी हेल्दी रहेगा, ग्रीन रहेगा और खूबसूरत रहेगा। तो आप भी ज़रूर, अभी समर का टाइम शुरू है और नर्सरी में अभी समर के न्यू कलेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप जितने भी समर के प्लांट हैं, और ये परमानेंट प्लांट होते हैं, पूरे साल बराबर चलते रहते हैं, मतलब सालों साल चलते रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं होगा आपके गार्डन से। और एक प्लांट से आप ढेर सारे प्लांट भी तैयार कर सकते हैं, तो इनको ला करके अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए ताकि ये ब्यूटीफुल लुक दे। देखिए विंटर हमारा गार्डन जैसे ही खत्म होता है तो समर की बाहर आ गई, देखिए इधर टिकोमा हो गया, उधर एडेनियम हो गया, इधर बोगनवेलिया हो गया और इधर हिबिस्कस हो गया, देखिए कितने सारे ब्लूम्स हुए हैं उधर। तो बहुत सारे फूल मतलब समर में भी हैं, ऐसा नहीं है कि विंटर के बाद हमारे गार्डन से फूल ख़त्म हो जाएंगे, तो फूल खिलते ही रहेंगे। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। और यहाँ पर देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत फूल हैं, और आप लोग भी इसको लेकर के आइए,